गुड मॉर्निंग भैया लोग। तो कैसे हैं भैया आप लोग? सारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। भैया अभी इस टाइम में हम हैं दिल्ली मुंबई वाला एक्सप्रेस हाईवे पे। दिल्ली से मुंबई बन रहा है ना भैया? ये हमको लग रहा है कि आज तक का सबसे महंगा एक्सप्रेस हाईवे शायद बन रहा है। 1 लाख करोड़ का है भैया ये। सुन के ही लगता है कि 1 लाख करोड़ कितना होता है, बाप रे बाप। चलिए तो यहीं पे हैं अभी। अभी हमको जाना है दहेज गुजरात से। आप लोगों को तो पता है पिछला ट्रिप हमारा अहमदाबाद का था, तो अहमदाबाद खाली कर लिए। हमारा प्रोग्राम बना है दहेज से लोडिंग के लिए, और दहेज से हो रहा है मेरा पंजाब का लोड। तो यहीं पे आ गए हैं। देखिए ये दिल्ली मुंबई वाला एक्सप्रेस हाईवे हमको छोड़ना पड़ेगा। ये देख सकते हैं सामने दहेज वाला कटिंग है। ये सीधा चले जाएंगे ना तो ये सीधा चला जाएगा मुंबई, ठीक है। यहाँ से हमको लेफ्ट उतरना पड़ेगा। देखिए लेफ्ट उतर के ये जो टोल कटा के, देखिए ये वाला रोड में हमको आना पड़ेगा इसे इसे घूम के, ठीक है ना, इसी के नीचे। तो आ गए हैं भाई, चलते हैं फटाफट से लोड करते हैं। अगर आज लोड हो जाएगा तो निकल जाएंगे। देखिए पंजाब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हमारे लिए लोकल ही ट्रिप है। 1100 किलोमीटर हम लोग के लिए लोकल ट्रिप होता है। लेकिन चलिए माल निकल गया, ऐसे तो लोड करते नहीं इतना लोकल और बाहर बाहर में। लेकिन अब माल निकल गया भाई, इमरजेंसी माल है, अर्जेंट माल है, तो लोड करना पड़ेगा भाई। कंपनी का गाड़ी चला रहे हैं तो कंपनी का हिसाब से ही चलना पड़ेगा, हमारा मर्जी तो चलेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। फटाफट से चलते हैं अभी दहेज के लिए, और यहाँ से 50-60 किलोमीटर और 60 किलोमीटर है मान के चलिए, मोटा मोटी 1-1.5 घंटा लगेगा। तो भैया अभी हम पहुंच गए हैं दहेज। अब दहेज से 7-8 किलोमीटर पीछे हैं, इधर खाली इधर इंडस्ट्रियल एरिया है भाई। टोटल बड़ा बड़ा इंडस्ट्री मिलेगा आपको, नालको वगैरह जो भी है बहुत सारा मिलेगा इधर। देख सकते हैं उधर जितना भी दिख रहा है दूर दूर तक, पूरा ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा इंडस्ट्री है इधर। तो आगे हमारे मुंशी जी भी पहुंचे हुए आगे, वो बोले ठीक है सीधा आइए, हम लोकेशन सेंड कर रहे हैं। तो लोकेशन अभी भेजेंगे हम जगह पे, हमको लग रहा है 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। देखते हैं आज अगर लोड हो जाएगा तो मजा आ जाएगा जी। तो दोस्तों अभी शाम का बज गया 7:30 और गाड़ी हमारा लोड होके बाहर आ गए हैं कंपनी से बाहर। अभी भी मतलब कंपनी कहीं कंपाउंड में है, लेकिन ये पार्किंग है जहाँ लोड गाड़ी खाली गाड़ी लगता है उसका। पार्किंग में आ गए अंदर से लोड करके, अब कंपनी से मीटर नहीं है, अपना पार्किंग में गाड़ी लगा दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं तमाम गाड़ी सब लगा हुआ है, कुछ खाली गाड़ी है, कुछ लोड गाड़ी है, समझे ना। यहाँ पे हम भी लेके आ गए हैं भाई, गाड़ी लगा दिए लोड करके, बढ़िया से लोड हो गया। और बड़ा दिन हो गया जी, तो खाना भी बनाने का मन कर रहा था, काफी दिन हो गया कुछ बनाए नहीं थे, खाए नहीं थे, होटलबाजी चल रहा था। बड़े सारे भाइयों लोग का हमारा कंप्लेन रहता था आप खाना नहीं बना रहे हैं, आजकल क्या बात है होटल में खा रहे हैं। तो भैया टाइम की वजह से नहीं बनाने का मौका मिल रहा था, और आज मौका मिला है तो आज खाना बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम सुबह का टाइम लेंगे और सुबह निकलेंगे। तो आप लोग को जैसा कि पता है हमारा लोड हुआ है भाई पंजाब चंडीगढ़ का, गुजरात से चंडीगढ़। तो ठीक है दोस्तों, ये भी हमारे लिए नया रूट रहने वाला है, इसमें भी हम कभी गए नहीं है, चल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे लेबर लोग का क्वार्टर है, और वहां पे गए थे तो वहां मिल गया हमको चिकन, तो 1/2 kg लेके आ गए हैं चिकन। और इधर गैस जला के देखिए भाई कुकर में चढ़ा दिए हैं चावल। अकेले जब भी हम रहते हैं ना भैया तो चावल कुकर में ही बनाते हैं, इसलिए कि इसमें तुरंत बन जाता है चावल, 2 मिनट लगता है चावल बन के रेडी हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं भाई फटाफट से, मसाला वगैरह तैयारी करते हैं खाना। चलिए भैया लोग तो फटाफट से प्याज लहसुन मिर्चा का तैयारी कर लेते हैं मसाला का। दोस्तों अभी चावल हमारा बन गया भाई, रेडी हो गया है। अब डालते हैं इसमें चिकन बनाने का तैयारी करते हैं, डालते हैं सरसों का तेल। यहाँ पे ये महावीर ब्रांड का सरसों का तेल मिला, इसे तो हम फॉर्चून का खाते हैं, लेकिन चलिए जो है सब ठीक है, हम लोग का तो यही सिस्टम है भाई, जो मिल जाए जहां मिल जाए वही ठीक है। तो भैया तेल हमारा पूरा गरम हो गया, देख सकते हैं धुआं छोड़ दिया है, ठीक है। अब डालते हैं इसमें प्याज, फटाफट से प्याज को भूंज लेंगे।
दोस्तों प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, लाल हो गया। अब इसमें डाल देते हैं लहसुन और मिर्चा जो है गिलास में हम रखे हैं कूट के, ठीक है। ये भी बढ़िया से भूंजा जाएगा, उसके बाद फिर डालेंगे चिकन। तो भैया लहसुन मिर्चा प्याज हमारा देखिए बढ़िया से एकदम भुना गया है, हल्का ब्राउन हो गया। अब ज्यादा इसको जलाएंगे नहीं, जलाने के बाद में ना एकदम काला हो जाता है, इसलिए इसको इतना ही रखेंगे। अब डालेंगे इसमें हम चिकन, चिकन को बढ़िया से धो के रख लिए थे। तो दोस्तों हमारा चिकन देखिए बहुत बढ़िया से भुंजा रहा है एकदम लाजवाब तरीका से, ठीक है ना। काफी टाइम हो गया भूनते भूनते। अब इसमें डाल देते हैं हम टमाटर, दो पीस टमाटर लिए थे, करीब 150 ग्राम टमाटर है, तो डाल दिए हैं एक साथ में, भुंजा जाएगा। इसमें डालते हैं हम थोड़े नमक, नमक करना स्वाद अनुसार। अकेले आदमी है, तरी ज्यादा रखना नहीं है, इसलिए कम नमक डाले हैं। तो दोस्तों चिकन हमारा देखिए बहुत बढ़िया से भुंजा गया है, ठीक है। टमाटर भी डाले थे वो पूरा इसमें मेल्ट हो गया है। अब डालते हैं भाई देर नहीं करते हुए इसमें मसाला, क्योंकि मसाला भी थोड़ा भूनने में टाइम लगेगा। डालिए एक चम्मच हल्दी, ये चला गया हमारा गरम मसाला, चला गया एक चम्मच थोड़ा सा। यह है गोलकी जीरा का पाउडर, ये डाल दिया कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च इसको देगी मिर्च भी आप लोग बोल सकते हैं, ऐसे कलर लाता है भाई, इसको डालने के बाद में कलर बड़ा खूबसूरत हो जाता है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, है ना, ताकि मसाला जले नहीं, बढ़िया से मसाला भुंजा जाए। देखिए पूरा पानी सूखेगा इसके मसाला का, अब मस्त भुंजाएगा फिर इसमें। भैया चिकन हमारा देखिए बढ़िया से भुंजा गया एकदम मसाला के साथ में, ठीक है। डालते हैं इसमें तरी के लिए भाई पानी, और ज्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि पूरा मसाला भून गया है, एकदम बढ़िया से भुंजा गया है। मसाला खुशबू से ही पता चल जाएगा ना भाई कि मसाला, अब ज्यादा भूंजेंगे ना तो फिर अब मसाला जलेगा, इसलिए इसमें पानी डालना बहुत जरूरी है। बस भाई इसमें आधा से ज्यादा इसका तीन हिस्सा पानी सुखा देंगे भाई, इसी में इतना तरी नहीं रहेगा, पूरा पानी सूख जाएगा, थोड़ा सा एकदम लटर पटर रहेगा। आज एकदम सूखा चिकन बनाना है।
हालांकि देखिए सीज गया चिकन, देख रहे हैं हड्डी उड्डी छोड़ दिया एकदम, लेकिन और जो कसर बचा है इसमें सीझेगा, पानी में ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों चिकन हमारा देखिए बहुत बढ़िया से बन गया है, एकदम लाजवाब, देख सकते हैं कितना शानदार कलर आ गया भाई। अब पानी भी पूरा सूख गया, देखिए कितना मसाला गाढ़ा हो गया। अब ज्यादा इसको सुखाएंगे ना तो एकदम मोह हो जाएगा, चावल के साथ खाना है तो इतना रहेगा ग्रेवी। चलिए ठीक है दोस्तों, गैस को फटाफट से बंद किया जाए, तो टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, 9 बजने वाला है, भूख भी लग रहा है बहुत कस के। आज सुबह सिर्फ नाश्ता किए थे, खाना आज खाए भी नहीं है दोपहर में। भैया गाड़ी में खाना बनाने में कितना दिक्कत है, गाड़ी के अंदर देख सकते हैं, जो पूरा टी शर्ट देख रहे ना भैया, पूरा भीग गया है पसीना से, समझे ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, संतुष्टि से पेट भरेगा यही बहुत है। यही बहुत बड़ा चीज है। ठीक है दोस्तों, खाना उना बन गया है, थोड़ा पंखा चलाए हैं गाड़ी में, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद में खाना खाएंगे भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। भैया लोग अभी रात का बज गया है 9 और खाना भी हमारा बन के हो गया है रेडी, खाना भी इधर हम थाली में निकाल लिए हैं देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको खाना चालू करते हैं भाई, खाते हैं। चलिए खाया जाए भाई। तरी तो बहुत लाजवाब बना है भाई, बहुत शानदार। चिकन भी एकदम सीज गया, बहुत मस्त। भैया लोग अभी सुबह का बज गया है 7:30 और भाई गाड़ी तो हमारा कल ही लोड हो गया था, रात में आ गए थे। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम निकलने का तैयारी कर दिए हैं, निकलते हैं, खर्चा वगैरह भी हमारा आ गया है। ठीक है भैया लोग, ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद भैया।